इतने सारे पटाखे जलाए थे? हाँ यार, लास्ट ईयर मैंने भी इतने सारे पटाखे जलाए थे। इस बार मैं इससे भी ज्यादा पटाखे जलाऊं। और जुन्नू घुमसुम क्यों बैठा है? चल उससे पूछते हैं। भाई जुन्नू, तू पटाखे क्यों नहीं जलाए? भाई दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने से तो नहीं बनती, इस बार मैं ग्रीन दिवाली बनाने वाला हूँ। पर क्यों? अरे ग्रीन दिवाली क्या भला है भाई? ग्रीन दिवाली मतलब इको फ्रेंडली दिवाली, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। कैसा नुकसान यार? चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे बहन, दिवाली आ रही है। अच्छा, दिवाली से तो मुझे भी बहुत डर लगता है। पिछली दिवाली को मैं पूरी रात चैन से बैठ भी नहीं पाई थी। अब की बार समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। पटाखों का शोर और धुआं हर तरफ ही होता है। बहन, पिछली बार मेरी प्यारी दोस्त मैना को एक पटाखा लग गया था और वो मर गई। ये इंसान हड्डी पट्टु पटाखे चलाते ही है, आकाश को भी नहीं छूते। पता नहीं ये आराम से दिवाली क्यों नहीं मनाते। हाँ बहन, सुना है इंसानों के पास बहुत दिमाग होता है, पर इन्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती। मिठाई खाओ, नाचो गाओ, दिया जलाओ, पर पटाखे मत चलाओ। कुछ आया समझ में? चलो कुछ और देखो। मैं तो ये भी नहीं कहती कि पटाखे मत जलाओ, पर हर चीज अपनी सीमाओं में अच्छी लगती है। आया कुछ समझ में? चलो कुछ और देखो।